Welcome to Google Form to make online quiz. To make online quiz, we have to follow the given steps. Good evening, teachers. अभी हम लोग आज Google Form पे question paper बनाना सीखेंगे. तो उसके लिए हमको सबसे पहले Google Chrome open करना है. Google Chrome open करेंगे, हम यहाँ पर अपने address bar में डालेंगे Google Form. This is Google Forms. हमने Google Forms डाला. उसके बाद हमको क्या करना है, फर्स्ट वाली जो लिंक आएगी उसको हमको लीव कर देना. सेकंड लिंक आएगी आपकी फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल, आपको इस पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आपको गो टू गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करना है. गो टू गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपने फॉर्म को एक लुक देना है. लुक देने के लिए आप इस बटन पे क्लिक करोगे. आपने यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर लिया, कोई भी थीम, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन सेलेक्ट. यहाँ पे इमेज जो हम सेलेक्ट करेंगे वो हमारे हेडर पे शो होगी. यहाँ पर ढेर सारी थीम्स दी हुई, आप इनमें से कोई भी थीम सेलेक्ट कर लेते हो, सेलेक्ट कर सकते हो. और मैं अपलोड करूँगी, एक अपने स्कूल का लोगो है उसको मैं अपलोड करूँगी अपने क्वेश्चन पेपर में. तो इसके लिए मैं इसको ब्राउज करूँगी. अपलोड पे क्लिक करने के बाद ब्राउज करूँगी. ब्राउज करके मुझे क्या करना है, अब उस फोल्डर में जाना है जहाँ मैंने अपना फोटो सेव कर रखा. आपका फोटो जहाँ भी आप सेव करोगे आप वहाँ से इसको एक्सेस कर लोगे. मेरा फोटो जहाँ सेव है मैं वहाँ से एक्सेस कर रही हूँ. ओके, अभी यहाँ पे मेरा फोटो सेव है इसमें. मैं यहाँ से क्लिक करूँगी और मैंने ये फोटो सेलेक्ट कर ली. सेलेक्ट करने के बाद फोटो, ये फोटो मेरा अपलोड हो गया. अपलोड जैसी फोटो होगा मैं इसको डन कर दूंगी. एक बार फोटो देख लें, ठीक है. अभी मैंने इसको डन कर दिया. अब ये मेरा फोटो मेरे हेडर पे शो होगा. फोटो आ गई, अब मैं इसको अप्लाई कर दूंगी कि मुझे यही थीम ऐसे चाहिए. ये मेरा क्वेश्चन पेपर आ गया. यहाँ पे मेरे हेडर पे ये फोटो शो होने लगी, वेलफेयर मिशन इंटरनेशनल स्कूल एंड दिस वन लोगो. अभी अनटाइटल फॉर्म में मुझे क्या करना है, मैं सब्जेक्ट नेम डाल दूंगी. सब्जेक्ट नेम दैट इज कंप्यूटर. कंप्यूटर डाल दिया मैंने. और यहाँ पर डाल दिया मैंने ऑनलाइन पीरियोडिक टेस्ट. ओके, ऑनलाइन पीरियोडिक टेस्ट. ये डालने के बाद मुझे क्या करना है, अनटाइटल्ड क्वेश्चन में मुझे क्वेश्चन डालना है. सबसे पहले मैं बच्चों का नेम एंटर कराना है हमें, तो यहाँ पे हम करेंगे एंटर योर नेम. एंटर योर नेम हमने कर दिया. अभी इसको मल्टीपल चॉइस तो हम रख नहीं सकते, हम हर बच्चा अपना नेम एंटर करेगा. तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डालेंगे. शॉर्ट आंसर डाल दिया. अब यहाँ पे बच्चे अपना नेम सेलेक्ट करेंगे. हम इसको रिक्वायर्ड फील्ड कर देंगे ताकि नेम कंपलसरी हो जाए एंटर करना. अभी हमको जब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस बटन. आप कॉपी से भी कर सकते हो ये काम और प्लस बटन से भी कर सकते हो, पर मैं प्लस बटन से ये नया क्वेश्चन ऐड करूंगी. तो मैंने प्लस बटन पे क्लिक कर दिया. प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद हम पहला क्वेश्चन ऐड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1. ठीक, हमने यहाँ डाल दिया फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू. ठीक है, सीपीयू फुल फॉर्म डाल दिया हमने. मल्टीपल चॉइस हम एज इट इज सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही चाहिए. ऑप्शन 1 में हम कर लेंगे, हमारा ऑप्शन 1 डाल देती मैं कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट. एंड ऑप्शन 2 के लिए हम क्या करेंगे, एड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. एड अदर पे क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं, हम ऑप्शन 2 के लिए एड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. अभी हमारा ऑप्शन 2 आ गया, यहाँ पे हम डाल देते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. आपको और ऑप्शन ऐड करना, आपको 4-5 जितने भी ऑप्शन ऐड करने, आप ऐड ऑप्शन पे क्लिक करते जाओगे ऐड होता जाएगा ऑप्शन. मैं सिर्फ 2 ही ऑप्शन अभी ले रही हूँ. ठीक है, मैंने इसको भी रिक्वायर्ड कर दिया क्योंकि बच्चों को हर क्वेश्चन कंपलसरी है करना, तो इसलिए मैंने इसको रिक्वायर्ड कर दिया. अभी मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करना है, मैं फिर से प्लस बटन पे क्लिक कर दूंगी. यहाँ पे मैंने दूसरा क्वेश्चन ऐड किया 2. अभी इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन डाल देती हूँ इसमें सेलेक्ट इनपुट डिवाइस. ओके, सेलेक्ट इनपुट डिवाइस. अभी क्या करना है मुझे, भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज इट इज रहने से ऑप्शन 1 में मैं डाल देती हूँ आपका प्रिंटर. एंड ऑप्शन 2 में मैं डाल देती हूँ कीबोर्ड. ठीक है, 2 ऑप्शन मैंने ले लिए. इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर दूंगी. ठीक है, मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर बना रही हूँ. अभी मेरा ये क्वेश्चन पेपर रेडी है. इसमें मुझे अगर इसमें मैं कुछ सेटिंग कर दूंगी. सेटिंग में जाएंगे आप, प्रीव्यू और सेटिंग 2 है. तो मैं सेटिंग ऑप्शन में जाऊंगी. सेटिंग में मुझे क्या करना है, जनरल सेटिंग में लिमिट 1 रिस्पॉन्स करना है ताकि बच्चे क्वेश्चन पेपर सिर्फ एक ही बार अटेम्प्ट करें, एक से ज्यादा टाइम अटेम्प्ट ना करें. और मुझे अपने क्वेश्चन पेपर को क्या बना देना है, एक क्विज बना देना है. इसके लिए मैं मेक दिस अ क्विज कर दूंगी.
देन मैं इसको सेव कर दूंगी, सेव बटन पे क्लिक कर दी। अभी मेरा ये क्वेश्चन पेपर क्या बन गया, एक क्विज की तरह ये वर्क करेगा। अभी मुझे इसमें आंसर सेट करना है, तो मैं इसको आंसर सेट करने के लिए क्या करूंगी, हमने ऑलरेडी जब हमने क्विज पे क्लिक किया, मैं आपको शो कर देती हूँ, जब सेटिंग में मैंने क्विज पे क्लिक किया था तो यहाँ पे दे रहा था हमने क्वेश्चन करेक्ट आंसर पॉइंट वैल्यू, तो हमको वैल्यू देनी है अपनी पॉइंट, जो भी हमको मार्किंग देनी है मार्किंग दे सकते हैं और हम करेक्ट आंसर भी चूज कर सकते हैं ये सेटिंग सेव करने के बाद। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे और उसमें हम सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन ये नीचे आ जाएगा एक ऐसा टिक करके, आपके फोन में भी आ जाएगा आपके क्वेश्चन के नीचे, आप उसको ऐसे क्लिक करोगे, यहाँ पे मार्किंग डाल दोगे। सबसे पहले हमने वन मार्क का क्वेश्चन है, हमने वन मार्किंग डाल दी। अभी हमें इसमें करेक्ट आंसर चूज करना है, हम करेक्ट आंसर चूज कर लेंगे। अभी क्या है कि बच्चों का जब हम लोग ऑनलाइन पीरियोडिक टेस्ट लेंगे, तो ऑनलाइन पीरियोडिक टेस्ट में हम उनको करेक्ट आंसर पहले से चूज करके नहीं देंगे, बच्चों को हम पहले पेपर दे देंगे, मार्किंग वगैरह सेट कर देंगे, लेकिन करेक्ट आंसर हम नहीं सेट करेंगे। जब बच्चे पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे, हाफ आवर का जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा, हाफ आवर बाद हम उसमें आंसर सेट करेंगे, और इससे क्या होगा कि कॉपी करेक्शन में हमें इजी हो जाएगा, हम जैसे ही आंसर सेट करेंगे हर बच्चे का मार्किंग हमको शो करने लगेगा कि बच्चे ने कितना आंसर कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कितना उनका मार्किंग आया है, ठीक है, लेकिन हम पहले से सेट नहीं करेंगे। अभी हम इसको इतना करने के बाद क्या करेंगे, डन कर देंगे। रिवीजन टेस्ट में हम उनको ऐसे दे सकते हैं ताकि हम मार्किंग भी सेट कर दें और उनको करेक्ट आंसर भी दें, ताकि बच्चे जैसे पेपर अटेम्प्ट करें उनको करेक्ट आंसर शो होने लगे। नाउ सेकंड का भी मैं चूज कर लेती हूँ, सेकंड पे मैंने क्वेश्चन पे क्लिक किया, उसके बाद ये आंसर टिक पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे मैं मार्किंग इसको 1 पॉइंट दे दूंगी, मार्किंग वैल्यू मैंने दे दी 0.1 देने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे करेक्ट आंसर चूज करना है, तो कीबोर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया, डन कर दिया। अभी ये मेरा पेपर पूरा कम्प्लीटली रेडी है, ठीक है। अभी इस पेपर को मुझे क्या करना है, इसका मुझे लिंक शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो इसके लिए मैं प्ले बटन पे क्लिक करूंगी। यहाँ पर मेल भी हम कर सकते हैं या फिर लिंक, तो हमें तो लिंक शेयर करनी है, तो हम लिंक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लिंक को हम कॉपी करेंगे, हमने लिंक कॉपी करी, कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है। आफ्टर कॉपीड द लिंक वी ऑल हैव टू फॉरवर्ड इट इनटू व्हाट्सएप ग्रुप।